जंगल में मोनी नाम की एक चिड़िया अपने पति सोनू और छोटी बच्ची टोनी के साथ नई नई रहने के लिए आती है। मोनी गर्भवती रहती है और उसे एक सुरक्षित घोंसला बनाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। वहाँ पेड़ों पर रहने वाले दूसरे पक्षी उसे दूसरी जगह जाने के लिए कहने लगते हैं। दोस्तों, हम लोग इस जंगल में नए नए आए हैं। हम जहाँ रहते थे वहाँ आग लग गई और सभी पक्षियों के घोंसले उस आग की भेंट चढ़ गए। हमें यहाँ अगर किसी कोने में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो हमारे रहने का ठिकाना हो जाता। अरे नन्ही चिड़िया, देख रही हो, इस पेड़ पर वैसे ही घोंसले बनाने के सारे स्थान पहले से ही बुक हो चुके हैं। तुम्हें घोंसला बनाना है तो यहाँ से दूर पहाड़ी के पास जाकर बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ बना लो, वहाँ कोई खतरा भी नहीं होगा। कौवा भाई, मुझे तो यहाँ भी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। यदि खतरा होता तो इतने सारे पक्षी क्यों रहते? हमें तो एक छोटा सा कोना चाहिए। मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही अंडे बच्चे होंगे। मेरे साथ मेरी बच्ची टोनी भी है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। देखो, मैंने कह दिया ना, तुम्हें यहाँ शरण नहीं मिलेगी। इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी चली जाओ, अब मुझसे बहस मत करना। भोंपू कौवे की बात से मोनी, सोनू और टोनी को बहुत कष्ट होता है। वे तीनों निराश हो जाते हैं। सोनू वहाँ से चलने का इशारा करता है। चलो मोनी, अब यहाँ रुकने में कोई फायदा नहीं है, अब हमें कोई नया स्थान तलाशना होगा। वो जंगल में उड़ने लगते हैं। उन्हें कहीं आसरा नहीं मिलता है। एक सुंदर परी उन्हें देखकर उनकी परेशानी समझ जाती है। वो उनका पीछा करती है। उड़ते उड़ते मोनी चिड़िया थक जाती है। देखो टोनी के बाबूजी, अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है, चलिए कहीं नीचे आराम करते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, हमें सामने वाले बगिये के पास जाना है, मौसम भी ठीक नहीं है। अब ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इतनी बातचीत होते ही तेज हवाएं चलने लगती है। देखते ही देखते हवाएं बड़े तूफान में बदल जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार उड़ने लगता है। ये तीनों एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। बड़ी देर तक तूफान चलता है और सोनू मोनी को ढूंढने के लिए एक दिशा में उड़ने लगता है। मोनी दूसरी दिशा में चली जाती है और उनकी बच्ची टोनी अलग बिछड़ जाती है। परी भी उन्हें ढूंढना चाहती है, लेकिन तूफान की धूल में उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता। मोनी, टोनी, तुम दोनों कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतने में बरसात शुरू होती है और ओले गिरने लगते हैं। एक ओला सोनू को लग जाता है और वो बुरी तरह घायल होके नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद तूफान और बरसात रुक जाती है। परी चारों तरफ उड़कर माँ मोनी और उसकी बच्ची टोनी को ढूंढ लेती है, लेकिन सोनू का कहीं पता नहीं चलता है। परी सोनू को ढूंढने निकल पड़ती है और मोनी को एक ऊंचा पेड़ दिखाई पड़ता है। वो देखो, सामने बड़ा ऊंचा पेड़ है, घना भी है। टोनी, चलो वहाँ चलते हैं। तुम्हारे बाबूजी तूफान में लगता है बहुत आगे चले गए हैं, आ जाएंगे। ये दोनों उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ भी कई पक्षी इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। एक चिड़िया जिसका नाम चुन चुन है, अपने घोंसले से इन्हें देखती है। वो प्रश्न करती है, आप लोग इस जंगल में नए आए लगते हैं, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? हे चिड़िया रानी, आपकी बातों में बड़ी आत्मीयता दिखाई पड़ रही है। यहाँ सब हमसे मुंह फेर रहे थे और आपने मदद की पेशकश की, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम इस जंगल में नए हैं और अपना एक घोंसला बनाना चाहते हैं। देखिए, मेरे घोंसले के पास दो डालियों के बीच जगह खाली हो गई है। वहाँ पहले एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया अकेली थी और बीमार हो गई थी, इसलिए अपनी बच्ची के बहुत कहने पर उसके पास परदेश चली गई। उसके कोई बच्चा भी था? दो बच्चे थे, लेकिन किसी ने माँ का साथ नहीं दिया। उसकी बच्ची ने हमेशा माँ का साथ दिया। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मोनी और बेटी का नाम टोनी है। आपका नाम? मेरा नाम चुन चुन है। चाची, आप बहुत अच्छी हो, प्यारी भी हो। बेटी, आप भी बहुत बहुत प्यारी हो। आप लोगों के आने से मुझे बड़ी खुशी मिली।
चलो एक नया घोंसला बनेगा, मुझे नया पड़ोसी मिलेगा। मौनी अपनी पति सोनू का इंतजार करती है, लेकिन वो लौट कर नहीं आता है। वो बहुत उदास हो जाती है। मौनी नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में एक सुंदर घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। दूसरे पक्षी बड़े ध्यान से घोंसले को देखते हैं। वहाँ पर भोंपू कौवा भी आ जाता है। वो मौनी के सुंदर घोंसले को देखकर जल भुन जाता है। अरे वाह, तुम लोग यहाँ आ गए। घोंसला बना दिया मगर छोटा है, इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं अकेला हूँ। ये घोंसला मुझे दे दो और तुम लोग दूसरा बना लो, मैं मदद कर दूंगा। भोंपू भाई, हमारा घोंसला जैसे भी है हमारे लिए अच्छा है। आप कितने बड़े मददगार हो ये तो हम जान ही गए हैं। आपके पास एक घोंसला होते हुए भी दूसरे के घर पर आंख लगा रहे हो। आपसे निवेदन है, अब हमें यहाँ चैन से जीने दीजिए। तुम तो नाराज हो गई, तुम्हारा चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है क्या? वे तूफान में बिछड़ गए हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वे जरूर आएंगे। अरे तूफान के साथ बरसात हुई थी और ओले भी पड़े थे, कहीं उन ओलों के कारण तुम्हारा चीड़ा बहुत दूर तो नहीं चला गया, जहाँ से कोई वापस नहीं आता? चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। किसी के लिए ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। सुंदर परी ये सब कुछ सुन रही होती है, उसे भी बड़ा दुख होता है। इतने में कौवे के सर पर पेड़ की टहनी गिर पड़ती है, वो दर्द से छटपटा उठता है। अरे भोंपू, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा भोंपू बच जाएगा। दूसरे का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा ही बंटाधार हो जाएगा। कौवा चुपचाप उड़ जाता है और सुंदर परी बच्ची टोनी को लेकर सोनू की तलाश में निकल पड़ती है। उसे बहुत दूर जाकर सोनू दिखाई पड़ जाता है। उसके साथ एक दूसरे की चिड़िया होती है। परी और टोनी उसके पास पहुंच जाती है। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मेरे बाबूजी मिल गए, मेरे बाबूजी मिल गए। अरे सोनू, तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सोनू बाबूजी? कौन बाबूजी, कौन सोनू? मैं सोनू नहीं हूँ। सोनू नहीं हो तो फिर कौन हो? मुझे मेरा नाम याद नहीं है। इन्हें हमने घायल अवस्था में पाया था, ये पूरी तरह बरसात में भीगे हुए थे, इनके सर पर चोट लगी थी, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। परी समझ जाती है कि सोनू की याददाश्त चली गई है। वो अपनी चमत्कार से सोनू की याददाश्त वापस लाती है, उसे एक घोंसले तक लेकर आती है। सोनू को देखकर मौनी खुशी से झूम जाती है। उसी दिन मौनी अंडे देती है। कुछ दिन बीतने के बाद अंडे में से दो बच्चियां बाहर आती है। सोनू, मोनू और टोनी बहुत खुश हो जाते हैं। भोंपू कौवा आ जाता है। अरे बच्चियां हो गई और खुशी मना रहे हो, बच्चियां कौन सा डंडा गाड़ेगी? बच्चियां हुई तो क्या हुआ, ये भी तो खुशी की बात है, बच्चियां भी हमारा नाम रोशन करती हैं। देखो मेरी बच्ची ने परी रानी के साथ मुझे ढूंढ निकाला, उसने माँ का कदम कदम पर साथ दिया, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? भोंपू इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, उसके सर में दर्द होता है। काका, ऐसा लगता है आपके सर का घाव ठीक नहीं हुआ, रुकिए मैं दवा लगाती हूँ। टोनी बच्ची औषधि लेकर आई और उसने भोंपू कौवा के सर पर लगा दिया। भोंपू को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सोनू भाई, सचमुच बच्चियाँ बड़े काम की होती है। चंदर और उसकी पत्नी सुधा एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। दोनों दिन रात मेहनत करते थे। उनकी एक ही बेटी थी गुड़िया, जो हमेशा बीमार रहती थी। चंदर माली था, वो जमींदार के बाग बगीचे की देखभाल करता था। सुधा जमींदार के घर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। जमींदार की पत्नी रूपा बहुत कंजूस और गुस्से वाली औरत थी। एक दिन सुधा के हाथ से एक चाय का प्याला गिरकर टूट गया। तूने मेरा इतना कीमती प्याला तोड़ दिया, इसके पैसे तो तेरे पगार से काटने पड़ेंगे। मालकिन, आइंदा से ऐसी भूल नहीं होगी, मेरी बच्ची बीमार है, आपको पता है मैं उसकी चिंता में डूबी थी, इसलिए प्याला हाथ से गिर गया था। बच्ची बीमार है तो घर बैठो, काम करने वालों की कमी थोड़ी है। नहीं मालकिन,
घर बैठकर गुजारा कैसे होगा। चलो आप काट लेना पैसे। सुधा के पैसे काटने का रूपा हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, पर सुधा कुछ न बोलती थी। एक दिन सुबह सुबह सुधा कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया सड़क के किनारे गिरी हुई थी। उसने तुरंत अपने घड़े से पानी निकालकर उसके मुंह पर छींटा मारा। बुढ़िया ने आंखें खोल दी। अम्मा कहाँ से आई हो, इस गांव की तो नहीं लगती। बेटी बहुत भूख लगी है, दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा चलो पास में ही मेरी झोपड़ी है, मैं कुछ खिलाती हूँ। बुढ़िया उसके साथ आ गई। सुधा ने घड़ा एक तरफ रख दिया और बुढ़िया को खाना खिला दिया, फिर अपने बीमार बेटी को दवा खिलाकर काम पर जाने को तैयार हुई। तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है, सुधा ने रोते हुए कहा। अम्मा एक बार बहुत तेज बुखार हुआ, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा, ये बुखार की वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास भागे, तब उसने बताया कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, तब से ऐसे ही पड़ी रहती है, टुकुर टुकुर ताकती रहती है, ना बोलती है ना चलती है। अब मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगी, यही आराम करो, चंदर भी थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं काम करके आती हूँ। नहीं बेटी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं भी चलूं। उसी समय अचानक उनकी झोपड़ी में उजाला हो गया और बुढ़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई। सुधा तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे घर के कोने में जमीन के नीचे एक पीतल का घड़ा है, उसे खोद कर निकाल लेना, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो परी चली गई। सुधा हक्का बक्का सी उसी जगह को देखती रह गई। थोड़ी ही देर में चंदर आ गया। आज काम पर नहीं जाओगे क्या? हाँ हाँ जाऊंगी ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुधा ने चंदर को सारी बात बताई। चलो अभी जमीन खोद लेते हैं। दोनों ने मिलकर जमीन की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में छनक की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा तो वो एक मेला कुचेला पीतल का घड़ा था। अच्छा मैं चली काम पर, आज तो मालकिन जरूर 4 बातें सुनाएगी। सुधा भागती हुई जमींदार की हवेली पर पहुंची। अब क्या बहाना लेकर आई है, आज फिर तेरे पैसे काटेंगे, मुझे किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा। सुधा चुपचाप जाकर अपने काम में लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब वो सारे काम निपटा कर घर जा रही थी तो कुएं के मुंडेर के पास बैठकर रोने लगी। तभी अचानक वो परी प्रकट हो गई। रो मत सुधा, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए, जल्दी घर जाओ। वो आंसू पोंछती हुई जैसे ही झोपड़ी में पहुंची, उसका पति, अरे कितनी देर लगा दी, इधर आ जल्दी, ये घड़ा तो जादुई है। हमारी किस्मत में हमेशा दूसरों की फटकार सुनना ही लिखा है। उसने चंदर को सारी बातें बताई। सुन, मैंने घड़ा को खूब साफ करके चमका दिया, फिर उसमें अपनी कुदाल रख दिया, ये देख एक की जगह 2-2 कुदाल हो गई। क्या कहते हो, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, चल इसमें कुछ और डालकर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। सुधा ने मालकिन के दिए हुए 5 रुपए उस घड़े में डाल दिए। पलक झपकते ही वो रुपए 2 गुने हो गए। अरे ये तो चमत्कार हो गया, जरा चावल डालकर देखती हूँ, आज वैसे ही चावल बहुत जरा सा है। यही सोचकर चिंता में थी कि क्या बनाऊंगी। सुधा चावल के डिब्बे से एक कटोरी चावल ले आई और घड़े में डाल दिया, चावल भी 2 गुना हो गया। धीरे धीरे दोनों को भरोसा हो गया कि ये घड़ा जादुई है। एक बार इसमें अपना जूता डालकर देखता हूँ, मेरे जूते फट गए हैं। पलक झपकते ही नए जूते आ गए। अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी परी प्रकट हो गई। एक दिन में सिर्फ 3 इच्छा ही पूरी होगी, ज्यादा लालच मत करना। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। दोनों उस दिन बहुत खुश थे। सुधा, पिछली बार तेरी कंजूस मालकिन ने जो चांदी का सिक्का दिया था वो है ना, कल हम इस घड़े में एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। हाँ सही कहा तुमने। सुबह दोनों की नींद जल्दी खुल गई। उन्होंने सबसे पहले घड़े में एक चांदी का सिक्का डाल दिया, वही हुआ।
उनका सिक्का दुगुना हो गया। दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार डाला, अब उनके पास कुल 8 सिक्के हो गए। ये सिक्के संभाल कर रख दे। सुधा ने सारे सिक्के एक बटुए में डालकर बक्से में बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके पास बहुत से चांदी के सिक्के हो गए। ओह, अब तो हम इन सिक्कों से एक सोने का सिक्का खरीद सकते हैं और उसको घड़े में डालकर दुगुना तिगुना कर सकते हैं। अब निश्चित ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हम उसका इलाज बड़े अस्पताल में करवाएंगे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो गए। परी अक्सर उनसे मिलने आया करती। एक दिन, गुड़िया रानी कब तक बिस्तर में पड़ी रहोगी? अब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। परी के इतना कहते ही गुड़िया के पूरे शरीर में जान आ गई। माँ बापू देखो मैं उठ गई। जल्दी आओ, मैं तो बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, ये देखो मैं तो नाच भी सकती हूँ। ये कहते हुए गुड़िया ने 3-4 चक्कर लगा लिए। ये सब परी रानी का जादू है, उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया। अब चंदर और सुधा ने जमींदार के घर का काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारी जमीन खरीद ली, अपना घर पक्का करा लिया और सबसे बड़ी बात थी वो लोग रोज गरीबों को दान देते एवं सबकी मुसीबत में उनकी सहायता करते। एक दिन रूपा उनके घर आई। तुम लोगों ने कहीं डकैती डाली है क्या? अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? सुधा बहुत सीधी सादी थी, उसने कहा, नहीं नहीं, हमने कोई डकैती नहीं डाली। मैं चलती हूँ मालकिन, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। रूपा मुंह बिचका कर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन उसने सुधा की खिड़की के पीछे बैठकर उसके घर में तांग झांक करना शुरू कर दिया। आखिर उसने पता कर ही लिया कि उनके पास जादुई घड़ा है। अब तो किसी तरह मुझे ये घड़ा लेना ही होगा। एक दिन उसने सुधा और चंदर को अपनी बेटी के साथ मंदिर जाते हुए देखा। उसी समय वो भागती हुई उनके घर गई और ताला तोड़कर घड़ा उठा लाई। पर जैसे ही वो उनके घर से निकली, मधुमक्खियों के एक झुंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ना वो घड़े को छोड़ पा रही थी, ना उठाकर ले जा पा रही थी। घड़ा उसके हाथ से ही चिपक गया था। मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ी जो मुझे इतना सता रहे हो? तभी चंदर और सुधा भी मंदिर से वापस आ गए। उन्होंने जब रूपा की ऐसी हालत देखी तो घड़ा उसके हाथ से ले लिया। रूपा भागते भागते गिर पड़ी। तभी उसके सामने एक बुढ़िया आ गई। रूपा, दूसरों के सुख से जलने वाले और दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वाले कभी दया के पात्र नहीं होते। तुम्हारे पास सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी तुमसे उस परिवार का सुख नहीं देखा गया। चल हट बुढ़िया, बड़ी आई मुझे सीख देने। तेरे जैसों को तो मैं अपने आसपास भी फटकने ना दूं। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड हो गया है, वो सारी धन दौलत अब खत्म हो गई है। रूपा जब घर पहुंची, तो उसने देखा वाकई उसके घर में आग लग गई थी और उसकी हवेली खंडर में बदल गई थी। एक समय ऐसा आया कि रूपा की सारी संपत्ति बिक गई और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। सुधा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, उसने पिछले सारी बातें भूलकर उसकी मदद की। एक दिन, सुधा तुम बहुत अच्छी हो, धरती तुम जैसे लोगों की वजह से चल रही है, तुम हमेशा खुश रहोगी। सुधा को ढेर सारा आशीर्वाद देकर परी चली गई। सुधा और चंदर बहुत बड़े आदमी बन गए थे। उनके पुश्तैनी घर में अभी भी वो घड़ा रखा हुआ है।